तो बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच होगी। और इसके अलावा एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, लखनऊ से सीएम आवास पहुंचे हैं सूर्य प्रताप शाही। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और सीएम आवास पहुंचे हैं सूर्य प्रताप शाही। इस वक्त की बड़ी खबर, सूर्य प्रताप शाही सीएम आवास पहुंचे हैं। हमने आपको बताया था कि 10 बजे के बाद वो संभावित नेता, वो मंत्री जिनका नाम इस लिस्ट में हो सकता है, वो लोग सीएम आवास पहुंचेंगे और सूर्य प्रताप शाही भी यहां पहुंचे हैं। इसका मतलब ये माना जा सकता है, ये सेफ रहेगा कहना कि सूर्य प्रताप शाही भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही साथ पिछली सरकार में मंत्री भी रहे और सीएम आवास पहुंचे हैं सूर्य प्रताप शाही। विशाल पांडे हमारे साथ इस खबर पर बने और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूर्य प्रताप शाही पहुंच चुके हैं सीएम आवास योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले बेबी रानी मौर्य के भी सीएम आवास पहुंचने की खबर आई और हमारे सहयोगी ने बेबी रानी मौर्य से बातचीत की जब वो सीएम आवास पहुंची। सुनाते हैं कि क्या कहा उन्होंने। योगी सरकार का शपथ ग्रहण टू तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी दफ्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। कपिल देव अग्रवाल, ब्रजेश पाठक सभी लोग मिलकर गए बेबी रानी मौर्य बड़ा नाम। मैम आज वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार आप लोगों का था, शपथ ग्रहण है दिल्ली पर। बिल्कुल शपथ ग्रहण है और आएंगे पार्टी कार्यालय पर, वहाँ भी मन रहा है प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। आज तो खुशी मनाने का दिन है, सरकार बन रही है हमारी। चेहरे पे मुस्कुराहट बता रहे कि कैबिनेट में जा रही हैं आप? पता नहीं, वो नहीं पता मुझे। जी जी जी, जोश है कार्यकर्ताओं में लगातार, देखिए नारेबाजी क्या है। ठीक ठीक ठीक, क्या कहेंगी? सब कार्यकर्ता खुश हैं, इतनी मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो खुश तो होंगे। देखिए ये थी बेबी रानी मौर्य जो आगरा से चुनाव जीती हैं। ये पहले उत्तराखंड की राज्यपाल थी, पद से इस्तीफा देकर इनको दलित चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में प्रोजेक्ट किया गया था। और आज 4 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बेबी रानी मौर्य भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने वाली है। विजुअल विशाल के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।